नमस्कार, तेज हरियाणा के रोजाना लाइव बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पूरे हरियाणा में 11वें दिन हम लॉकडाउन की बात करेंगे। तो बीते दिनों की तुलना में हरियाणा में जो कोरोना का संक्रमण है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे हरियाणा के लिए, देश के लिए जरूर एक चिंता की जो लकीरें हैं वो उभर कर हमें दिखने लगी है। लेकिन आप पैनिक क्रिएट ना करें, आप घबराएं नहीं, हमें और मजबूती के साथ इस कोरोना का सामना करना है। तो ऐसे में आज शनिवार के दिन हरियाणा में 26 नए कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं वो पाए गए हैं। तो अब हरियाणा में जो आंकड़ा है वो कोरोना के संक्रमित जो मरीजों की अब तक की बात करें तो वो 71 पार हो गया है। और अब तक 62 जो पॉजिटिव कोरोना के जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। आज जिन जिलों में नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं उनमें हम भिवानी की बात करते हैं। तो भिवानी आज एक नया जिला शामिल हुआ है, इस कोरोना का संक्रमण कह लीजिए या फिर पैर पसारता हुआ आज भिवानी तक पहुंच गया है कोरोना। गुरुग्राम में आज 2 केस और सामने आए हैं। कैथल में भी आज एक नया केस, पॉजिटिव केस मिला है। लेकिन पलवल में आज सबसे ज़्यादा जो कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं वो है 13। तो कुल मिलाकर अब तक आज के दिन में 18 जो नए केस हैं वो हरियाणा में मिले हैं। अगर हम पिछले 12 घंटों की बात करें तो कुल मिलाकर 26 ऐसे जो केस शामिल हो गए हैं। तो पलवल से जो 13 नए मामले आए हैं, और बड़ी बात है कि इनमें से जो फरीदाबाद की जो हम बात कर रहे करूँ अगर मैं, 8 नए केस जो कल से शामिल हुए हैं। तो अब तक इनमें से जो ज़्यादातर जो मकरज जो जमाती हैं जो निजामुद्दीन से आए थे, तो वही लोगों की जो संख्या है वो हरियाणा में लगातार बढ़ रही है। तो आज 11वें दिन कुछ अच्छी राहत वाली खबर हरियाणा के लिए नहीं है, क्योंकि हरियाणा में आज पिछले 12 घंटों में 27 से 26 जो नए केस हैं वो आ चुके हैं। जहाँ पर आज भिवानी, गुरुग्राम, कैथल, पलवल, तो ये 4 ज़िले हैं जहां पर आज जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो पाए गए हैं। और राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, 196 के आसपास जो आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन हरियाणा में अब तक है वो 14 लोग हैं वो ठीक भी हो चुके हैं, तो ये हरियाणा के लिए अच्छी बात है। लेकिन हम 24 घंटों में बात करें तो पूरे भारत में हमारे बहुत ज़्यादा मामले आए हैं, क्योंकि शुक्रवार सबसे ज़्यादा देश के अंदर देखा जाए तो 683 जो नए मामले आए थे, और अब तक लगभग 478 के आसपास नए जो मामले हैं वो आ चुके हैं। हम थोड़ा आंकड़ों की तरफ चलते हैं। तो लॉकडाउन के जब पहले दिन के जो 65 दिन बीते थे देश में, तब महज जो संक्रमित जो केस थे वो सिर्फ 536 थे। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर 2505 जो नए केस आए हैं हमारे सामने। और पहले मैच 10 ही मौतें हुई थी जब लॉकडाउन से पहले के हम 65 दिनों की बात करें, लेकिन अब 80 की जो मौत है वो हो गई है। तो देश और दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक जो आंकड़ा है बहुत बड़ी संख्या फिगर में आया गया है। लेकिन पूरी दुनिया में ठीक होने वालों की भी संख्या अच्छी है, वो 229,244 लोग ठीक हो गए हैं। और मरने वालों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जहाँ पर 52,220 लोगों की अब तक है जो मौत हो चुकी है। और 11 दिन बाकी रह गए हैं इस लॉकडाउन के पूरे देश में, और 11,18,245 लोग हैं वो कोरोना के पूरे देश में जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो भारत की अगर बात करें तो हम अब तक 2902 का आंकड़ा छू लिया है कोरोना के मरीजों ने, जहां पर पूरे देश में हिंदुस्तान में बात करें तो 68 लोगों की मौत हुई है और 184 लोग हैं वो ठीक भी हो गए हैं। तो ये भारत के लिहाज से पूरी अच्छी बात है कि 184 जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं और 68 की जो मौत हो गई है। तो जहां पर हम बीते दिनों की तुलना में बात करें तो सबसे जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या वो पलवल और गुरुग्राम में हो गई है। पलवल में शनिवार को 13 नए मरीज आए हैं, वहीं फरीदाबाद में 8, गुरुग्राम में 2, भिवानी में 2 और कैथल में 1 नए मरीज मिले हैं। अब कुल संक्रमित जो मरीजों की संख्या वो 70 हो गई है। भिवानी और कैथल में पहले एक एक मामला जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं पलवल ज़िले में पूरे हरियाणा के अगर लिहाज से देखो तो एक डर का माहौल है, क्योंकि संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहा है वो पलवल का आ रहा है। तो पलवल में अब तक कुल 17 केस हो गए हैं, इनमें से 1 ठीक हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से गुरुवार को जो 44 लोगों के सैंपल भेजे गए थे उनमें से 31 की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 13 जो संक्रमित जो मरीज हैं वो आए हैं, जो ज़्यादातर निजामुद्दीन जो मरकज से जो लौटे
तमाम जो मरीज हैं वो अब तक जो मिले हैं, और हरियाणा में 30 के आसपास जो जमाती हैं वो हमें संक्रमित मिले हैं। और अब हरियाणा के 22 जिलों में से कुल 14 जिलों तक है वो कोरोना की रीच हो गई है। और मैं पहले ही बता रहा था कि पलवल और गुरुग्राम में अब तक सबसे ज़्यादा मामले आए हैं, और दोनों जगह पर 17-17 पॉजिटिव अब तक के मरीज हैं वो मिले हैं। अंबाला में कुल 3 हैं, भिवानी में 2, कैथल में 1, नूह में 3 आज के दिन की अगर बात करें, और 14 मरीज हैं वो ठीक भी हो गए हैं। अब बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो पर कमेंट्स में करते हैं कि आपके जो आंकड़े हैं वो कुछ हद तक सही नहीं होते, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरे आंकड़े होते हैं वो एकदम जो हमारी सरकार के तहत दिए गए मेडिकल बुलेटिन के आधार पर होते हैं। मैं उन आंकड़ों पर नहीं चलता जो बहुत बड़े चैनलों की ब्रेकिंग का हिस्सा बनते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ संक्रमित यानी कि संदिग्ध के नंबरिंग में आते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को हम पॉजिटिव केस में नहीं शामिल कर सकते। तो हरियाणा का जो बुलेटिन मैंने बताया था कि आज के दिन में कुल 18 जो नए केस वो हरियाणा में मिले हैं, जिनमें मैंने बताया भिवानी की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, कैथल और पलवल। और जो अभी तक कुल अगर हम बात करें मेडिकल बुलेटिन के, जो हम कैमुलेटिव पॉजिटिव जो केस की है तो वो अब तक 62 हो चुके हैं, और 14 लोगों को अभी तक डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, और 48 जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव जो केस हैं हरियाणा बुलेटिन जो मेडिकल बुलेटिन जो अभी भी जारी हुआ है तो उसमें 48 लोगों का अभी तक वो ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल फाउंड पॉजिटिव हुए हैं वो 62 हुए हैं, और कुल 1413 लोगों के सैंपल है वो भेजे गए थे, जिनमें से 954 लोगों के जो सैंपल है वो नेगेटिव आ गए हैं। और अब तक जो फॉरेन से जो कंट्री से आने वाली अब तक की जो संख्या है जो पैसेंजर्स की वो 17,105 पूरे हरियाणा में हो चुकी है, और नंबर ऑफ पर्सन इन कॉन्टैक्ट विद कोविड यानी कि जो संदिग्ध उनके तहत पाए गए हैं वो 430 लोग हैं। और अभी तक सर्विलेंस जो आज तक जो ऐसे पर्सन जिनको रखा गया उनकी संख्या है 17,535 लोगों को रखा जा चुका आज तक, और जो लोग अपना कंप्लीट सर्विल जो अपना सर्विलेंस जो पीरियड था उसको पूरा कर चुके हैं तो वो 1,039 लोग हैं। तो ये हरियाणा की आज 11वें दिन लॉकडाउन की हमने आपको तस्वीर साफ करके दिखाई कि किस तरीके से आज हरियाणा में जो नए 18 नए केस हैं वो आए हैं। तो कुल मिलाकर जो एक चिंता का सबब जरूर है कि जिस तरीके से हरियाणा में लगभग 14 जिलों के अंदर जो कोरोना ने अपने पैर पसारे, लेकिन अभी भी हरियाणा के बहुत सारी पंचायतों ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि उन्होंने अपने तमाम गांवों की सीमाओं को सील किया है। हम हरियाणा के किसी भी ज़िले की अगर बात करें तो तमाम मसलन हर ज़िले में यही पोजीशन देखने को मिल रही है, और जो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे तेज हरियाणा के मार्फत गुजारिश करते हैं आप पैनिक क्रिएट ना करें, अफवाहों से सावधान रहें, क्योंकि न जाने कौन कब कैसी अफवाह फैला दे और उससे आप भयभीत हो जाएं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको बस अगर कोरोना को भगाना है तो आपको घर पर रहना होगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं बार बार कि आप लॉकडाउन के नियमों की पालना करें, और आज 11वां दिन है, बहुत अच्छे संकेत हमें मिल रहे हैं कि लोग अब संयम के साथ घर पर समय बिता रहे हैं, और यही सबसे बड़ी हम सबकी मजबूरी पूरे देश की थी कि हमें लॉकडाउन को पालना करनी चाहिए। और आप कल यानी कि 5 अप्रैल को याद रखिए, रात्रि 9 बजे 9 मिनट तक आप अपना दीपक घी के हो चाहे सरसों के तेल का जलाएँ, मोमबत्ती जलाएँ, टॉर्च जलाएँ, अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करें, तो आपको 9 मिनट तक पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी, और उन लोगों के लिए जो कोरोना के योद्धा जो हमारे लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हम एक सिंबल बनाते हुए उनको हमें वेल्डन कहना है, क्योंकि वो हमारे देश के सबसे बड़े योद्धा हैं जो हमारे संकट के दौर में भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो तमाम हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे प्रशासन को भी तेज हरियाणा सल्यूट करता है, और हमारे तेज हरियाणा के बहुत ही सम्मानित और जागरूक दर्शकों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन तमाम नियमों की पालना करेंगे, आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, और मास्क का इस्तेमाल करें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें, साबुन का इस्तेमाल करें, और बच्चों और बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखें। और इस उम्मीद के साथ कि अगले बुलेटिन में ये आंकड़े यहीं पर थम जाएं, पूरे देश में शांति, पूरी दुनिया में शांति बहाल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और तेज हरियाणा को फेसबुक पर जाकर भी आप फॉलो करें, लाइक करें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें।